हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। 23 दिसंबर 2018 की डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई है वो नहीं होता है। पहला ऑप्शन आपके सामने वित्तीय आपातकाल, दूसरा आपके सामने राष्ट्रपति शासन, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल और चौथा है ए और सी, यानी कि वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति आपातकाल। अब देखो, हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो वित्तीय आपातकाल है वो लगता है आर्टिकल 360 के तहत, और आर्टिकल 360 एंड जम्मू एंड कश्मीर पे तभी अप्लाई होता है जब वहाँ के गवर्नर की परमिशन है वो मिलती होती है। मतलब इनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ए इसका करेक्ट आंसर है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो जम्मू एंड कश्मीर अगर अप्लाई करनी हो तो वहाँ के गवर्नर की परमिशन के बाद ही उसको अप्लाई है वो किया जा सकता है। तो यह ध्यान रखना है वित्तीय आपातकाल है वो जम्मू एंड कश्मीर पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जिला न्यायाधीशों के बारे में कि जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उस पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि नियुक्ति है जिला न्यायाधीशों की पोस्टिंग संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट ये दिया गया है कि संबंधित राज्य उच्च न्यायालय द्वारा जज की सिफारिश की जानी चाहिए, उसके बाद ही उनकी जो पोस्टिंग है या नियुक्ति वो की जाती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि व्यक्ति न्यूनतम 5 साल के लिए वकील का अनुभव के तौर पे, मतलब कि 5 साल का उनको अनुभव होना चाहिए एज ए वकील। अब हमें पूछा गया है यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। तो देखो, एक चीज़ हमें पढ़ी है कि जो न्यूनतम जो उनका आप बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस है वो होता है 7 साल, ना कि 5 साल। मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है। अगर तीसरा इनमें से गलत है इसका मतलब बी ऑप्शन तो एलिमिनेट यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति, तो जी ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी गलत है। तो अगर हम पहले को इलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन बचेगा सी। देखो, एक ऑप्शन और भी हमारे सामने कि नन ऑफ दिस, बट वो नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उस न्यायालय के जज हैं उनकी सिफारिश के बाद की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये पूछा गया कि हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन सी इसमें से जो फॉलोइंग दिए गए हैं इनमें कौन कौन सा लिखा गया है। मतलब हमारे सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शनी, तीसरा है कदमबारी और चौथा है आपके सामने नागंदा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हर्ष द्वारा लिखा गया है। हमें ये पूछा कि इनमें से कौन सा हर्ष द्वारा लिखा, हर्षवर्धन द्वारा सॉरी। ऑप्शन आपके सामने ए बी सी या 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही है, तीसरा ऑप्शन है 1 2 4 सही है, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। तो देखो, हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन से नाटक हैं वो लिखे गए थे। देखो, हर्षवर्धन के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। एक था रत्नावली, दूसरा है प्रियदर्शिका और तीसरा था नागानंद। जो यहाँ पे हमें एक और दिया गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख, जो कदमबारी है वो लिखी गई थी यहाँ पे लेखक बेन भट्टा के द्वारा। तो यह ध्यान रखना है कि कदमबारी है वो बेन भट्टा के द्वारा लिखी गई थी, ना कि हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट है इसमें हम कदमबारी को एलिमिनेट कर देंगे, बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद है वो हर्षवर्धन के द्वारा में हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है नीलो पेटू के बारे में कि नीलो पेटू से आप क्या समझते हो। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि चोल जो शासक थे उस टाइम पे सिंचाई के ऊपर लगाया गया एक टैक्स था। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो पल्लव शासक थे उनके दौरान एग्रीकल्चर पे लगाया गया टैक्स था। और तीसरा ऑप्शन यह है कि हर्ष की एक उपलब्धि थी। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे है कि यहाँ पे जो स्पाई सिस्टम मतलब जासूसी प्रणाली थी पांड्य शासकों के टाइम पे। हमें यहाँ पे बताना है कि नीलोपेटा वर्ड किससे रिलेटेड है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। देखो, जो सार्वजनिक अभिलेख होते थे उस टाइम पे जो एक तरीके से लिखे जाते थे लेख वगैरह, तो उनके रख रखाव उनके मेंटेनेंस की अहम विशेषता थी हर्ष की, और उसके तहत ही जो टैक्स वसूला जाता था उनको रख रखाव मेंटेनेंस के लिए उसको नीलोपेटू के नाम से जाना जाता था। तो मतलब एक हर्ष की उपलब्धि आप बोल सकते हो कि हर्ष के टाइम पे था। तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बाकी स्टेटमेंट सारे के सारे गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऐहोल शिलालेख के बारे में। तो ऐहोल शिलालेख के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि है पुलकेशिन द्वारा हर्ष के हार का उल्लेख करता है, या इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐहोल शिलालेख में हर्ष की हार के बारे में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया है। अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आपको बताना है सर्च करके कि ऐहोल शिलालेख है उसमें से कौन सा दोनों में से स्टेटमेंट है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चोल शासकों के बारे में। क्वेश्चन ये है कि चोल शासक प्रांतक फर्स्ट के बारे में स्टेटमेंट पे विचार कीजिए।
पहला स्टेटमेंट यह है कि उन्होंने पांड्या और राष्ट्रकूटों को हराया। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि दो मैसूर उत्तरी मेरू शिलालेखों जो कि चोल शासकों के तहत प्रशासन का विस्तृत विवरण देते हैं उनके शासनकाल से संबंधित हैं। तीसरा स्टेटमेंट यह है कि उन्होंने चिदंबरम में एक सुनहरे छत के साथ प्रसिद्ध नटराज मंदिर की विमान की स्थापना की थी। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है उपरोक्त में से कौन सा सही है। देखो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पांड्य और राष्ट्रकूटों को हराया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि चोल शासक प्रांतक फर्स्ट ने पांड्य शासकों को हराया था, राष्ट्रकूटों से तो खुद ही हार गया था। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि उसने राष्ट्रकूटों को नहीं हराया। तो अगर हम पहले को यहाँ पे हटाएं तो डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। हमारे सामने ऑप्शन बचा बी, 2 और 3। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोडावोलाई प्रणाली के बारे में। क्वेश्चन यह है कि कोडावोलाई जो प्रणाली है उसके बारे में स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्तरामूर शिलालेख में इसका उल्लेख किए मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि है पांड्य शासकों के दौरान या पांड्य प्रशासन के टाइम पे ये प्रचलित था, ये प्रणाली जो सिस्टम है। अब हमें यहाँ पे बताना है कोडावोलाई प्रणाली के बारे में। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोडावोलाई प्रणाली क्या है। देखो जो कोडावोलाई प्रणाली है उसमें ये होता था कि जो जिस तरीके से पंचायती राज आज के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो ग्राम पंचायती हुआ करती थी, ग्राम गांव हुआ करते थे, उनके प्रशासन के लिए जो सदस्य होते थे उनका इलेक्शन होता था। और उनका इलेक्शन कैसे होता था कि एक मटके के अंदर जो भी वहाँ पे उस टाइम पे इलेक्शन लड़ने वाले लोग होते थे वो अपना अपना नाम करके एक पर्ची पर डाल के और उसमें मटके में डाल देते थे, सबकी अलग अलग स्लिप डाल दी जाती थी। उसके बाद में गाँव के एक छोटे बच्चे को लेके और उसमें से जो बहुत सारी पर्चियाँ होती थी लॉटरी सिस्टम के तहत, उनमें से जो जो पर्चियाँ उठाते थे उनको प्रशासन में रखा जाता था। तो ये थी कोडावोलाई प्रणाली। अब आपको बताना है इसके बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो मैं आपको बता दूं, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यह इसका ऑप्शन होगा आपके सामने पहला कि उत्तरामूर जो शिलालेख है इनके इसमें बेसिकली इनका एक उल्लेख है, इनका वर्णन है वो मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि गुनाभार सत्यवसंत चेतकारी और चित्रकारपुली और विचित्रवला इसके साथ ही मठविलासा ये जो खिताब हैं या ये जो उपाधियाँ हैं किसने हासिल की थी। पहला ऑप्शन आपके सामने महेंद्र सिंह वर्मन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है अमोक वर्षा और तीसरा ऑप्शन आपके सामने राजेंद्र फर्स्ट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप सोचिए कि ऐसी उपाधियाँ किसने हासिल की थी। देखो हम जानते हैं कि जो महेंद्र वर्मन थे उन्होंने क्या की थी, बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण है वो की थी। इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे एक्चुअली हमारे टोटल क्वेश्चन। तो आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।